आज कुछ इंसानियत की कहानियों के बारे में बात कर लेते हैं। आज दुनिया बंद है, आज हम डरे हुए हैं, लेकिन जीवित हैं पर मरे हुए। आज इंसानियत कहीं रो रही है तो कहीं इंसानियत जिंदा दिख रही है। आज ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो जिससे सब रिमाइंड करते सब कुछ ठीक होते। दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे गरीब और अमीर के बीच का फासला खत्म हो रहा है। इटली की एक कहानी सुनाता हूं आपको। इटली में 70 साल से ज्यादा एज वाले मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इतने बेड्स नहीं थे, इतने आइसोलेशन नहीं थे, इतने वेंटिलेटर्स नहीं थे। तभी एक 28 साल का लड़का आता है जो महामारी से पीड़ित होता है। एक 70 साल की बुढ़िया बेड पे पड़ी होती है और वो उसे देख रही होती है। वो लड़का जोर जोर से सांसें ले रहा होता है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है, लेकिन कोई बेड नहीं होता। तभी वो बुढ़िया बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरा बेड इस लड़के को दे दो, मेरी जिंदगी है कितनी, मैं तो कुछ दिन और जिंदा रहूंगी, जिंदा रहूंगी भी कि नहीं रहूंगी, लेकिन इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वो बेचारी अपना बेड दे देती है और 3 दिन बाद पता चलता है कि उसने दम तोड़ दिया, वो मर जाती है। आज दुनिया ऐसे समय से गुजर रही है कि सबकी एक ही हालत है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो। मैं तो सलाम करता हूं उन लोगों को जो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय हैं, जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो आर्मी वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। आज हम भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वो भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि इस बुरी परिस्थिति में वो अपने परिवार को छोड़कर ये सारे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। एक पुलिस वाला सारे दिन ड्यूटी करने के बाद बेचारा रोड पे ही सो जाता है। एक पुलिस वाला अपने घर के बाहर बाल्टी के ऊपर थाली रखकर खाना खा रहा होता है, दूर खड़ी उसकी बेटी उसको देख रही होती है, लेकिन वो अपनी बेटी को देख नहीं सकता, अपनी बेटी को छू नहीं सकता। आज हमारा देश एकता के साथ खड़ा है, आज इंसानियत जगह जगह पर देखने को मिल रही है, आज हमारा हिंदुस्तान एक है। आओ अपने देश को नमन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।